मैं हूं नूर खान। आज मैं एक ऐसी फैमिली के पास मौजूद हूं जिनके दोनों बच्चियों को छोटी को आग लगा के जला दिया गया। आखिर क्यों? आए उनके वालिद से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बताइएगा ज़रा, आपकी जो बच्चियाँ छोटी छोटी, उनको क्यों आग लगा के जला दिया गया? इस जगह के लिए उन लोगों ने कब्जा किया आया था, उन लोगों ने पाई इस जगह के पास से कब्जा किया। उन लोगों ने कहा जी तुझे थोड़े दिन पहले धमकियाँ लगाइयाँ उन्होंने, उस तो बाद उन्होंने कहा जी तुझे आप मार देंगे, ऐसे कर देंगे, तेरे घर को आग लगा देंगे। मेरी वाइफ जड़ी है वो बाजार गई हुई थी, तो उन लोगों ने मगर मौका देखा, टाइम देखा, मेरे कमरे को आग लगा दी। इस घर में रहता भी मैं ही था। पुलिस का कहना तो शॉर्ट सर्किट के थ्रू हुई है, ये नहीं झूठ बोल रहे हैं। शॉर्ट सर्किट के थ्रू पुलिस आपके साथ क्या तामन कर रही है? कोई तामन नहीं कर रही। उन लोगों ने अभी तक हमें पूछा नहीं भी क्या करना है यार, आपने FIR कटाई, पर्चा कराया है, नाम जो उनका पर्चा कराया है, उन लोगों ने अभी तक हमें पूछा ही नहीं है। लड़के को फड़ाया भी है, उन लड़कों को पकड़ाया भी है, उन लोगों ने छोड़ दिया उसको। मतलब कि पुलिस वालों को पकड़ाने के बावजूद पुलिस ने छोड़ दिया उन्हें? हाँ, चंद पैसों के लिए। उन लोगों ने इधर आके बताया हमने 20 लाख रुपया दे के अपना लड़का छुड़ा लिया, क्या कर लिया आप लोगों ने? जी नाजरीन, इन्होंने 20 लाख रुपया उन्होंने दे के अपने लड़के को बाहर निकाल लिया। ये फिर इंसाफ के मुंतजर है, कौन देगा इनको इंसाफ? आप किससे अपील करेंगे? वज़ीर आला से अपील करेंगे हम, ये हमें इंसाफ चाहिए। हम गरीब लोग हैं, माड़े लोग हैं, नहीं पैसे भर सकते। हमें तो अभी तक उन लोगों ने पूछा ही नहीं है कि क्या चाहिए आपको, इंसाफ चाहिए और जो आपको सुलह सफाई चाहिए, उन लोगों ने अभी तक हमें पूछा ही नहीं है। जैसे इनसे पूछा भी कुछ नहीं गया, इनको टॉर्चर किया जा रहा है पुलिस की तरफ से भी। उनकी वालदा के देखे आंसू आंखों से रुक नहीं रहे, कौन देगा इनको इंसाफ? आखिर कब तक गरीब ही पिसता रहेगा?